हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर जो अपकेंद्रीय बल का प्रभाव होता है उसको डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने एक इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि जो जी डैश वेक्टर है, सॉरी जी डैश नहीं, हमने बनाया था कि हमारे पास में ये आया था a डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये मिला था अपने को, है ना। हम लोग a तो क्या है, a तो नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होता है वो a डैश कब है, जब वो घूम रहा है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट लग रहा है उस इफेक्ट को काउंट करते हुए जो फाइनल मिलेगा a, जो रिजल्टेंट त्वरण है वो है ये ओमेगा, उसका कोणीय क्या बोलते हैं उसको, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, आर वेक्टर अभी मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई थी। अब दूसरी चीज़, हम लोग कौन से त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है अपना वो कौन सा है, जी वेक्टर है। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जी लिख दिया। दूसरी चीज, जो ए डैश है उसको लिख दिया मैंने जी डैश से, ठीक है ना, गुरुत्व से है तो इसलिए इसे ग्रेविटेशनल के लिए इसको ऐसे लिख दिया, जी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। चलो ये बात समझ आती है मुझे, यहाँ तक हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यही पता करना है ना कि गुरुत्वीय त्वरण पर कितना प्रभाव पड़ा उसका, अपकेंद्रीय बल का, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो घूमने की वजह से आभासी बल लगता है। उन आभासी बलों में जो शूडो फोर्सेस लगते हैं, उन शूडो फोर्सेस में एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। तो उस सेंट्रीफ्यूगल का इस त्वरण के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है वो चेक कर रहे हैं। तो नॉर्मल तो जी होता है, लेकिन इफेक्ट पड़ने की वजह से कुछ कम हो जाता है, और कम होने के बाद में फाइनल वैल्यू कितना मिलता है, जी डैश मिलता है। तो ये कम कितना हुआ, इतना वैल्यू कम हो गया। ये जो वैल्यू जितना भी कम हुआ ना, इसका वैल्यू लाके रख दो आप, आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पृथ्वी घूम रही थी तो उसके हिसाब से कुछ मैं मान रहा हूँ, देखना समझना बात को, क्या मानता हूँ। ये जिसने नहीं कॉपी किया इसको कॉपी कर लेना, मैं काम करता हूँ। जैसे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये मान लो अपना क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, ये वृत्ताकार नहीं है, गोलाकार है, ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। इसके अंदर एक सेंटर है, जैसे इसे सेंटर मान लिया मैंने, यहाँ पे, यहाँ कहीं इसका सेंटर है, ठीक है। अब पृथ्वी घूम रही है, ये जो एक्सिस है कहाँ गया, गड़बड़ बन रहा है ना, एक सेकंड, ये इसका एक एक्सिस तो ये हो गया, ये ठीक नहीं बनी लाइन, बट हाँ ये घूम रही है, ऐसे है ना, घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। इस पे कोई पॉइंट है सतह के ऊपर, मतलब सतह के ऊपर कोई बंदा है, उसके ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो चेक कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो चेक करें। चलो ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे मान लो ये सतह है, वैसे तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा क्योंकि पूरा 3D डायग्राम नहीं दिख रहा, इसलिए आपको बीच में दिख रहा है। ये एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में ऐसा है, जैसे ऐसा मान लो, या इसको देख लो ध्यान से, दिख रहा नहीं, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये तो ये 3D में दिख रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सतह के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई बिंदु है, बनने को तो ये देखो बीच में बन रहा है यहाँ पर, बट 3D के अंदर तो आराम से दिखता है कि सतह सरफेस के ऊपर आ गया, लेकिन इसमें दिखता नहीं है। तो ये यहाँ पर है सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, आर रेडियस के बराबर, ये कितना है रेडियस के बराबर, आर डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है ये बात चमकी। चलो दूसरी चीज,
तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ये जो पॉइंट है इसका जो ये है, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं ना इसको, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, 0 डिग्री अक्षांश जो है इक्वेटर, यहाँ से जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, ये लेमडा एंगल बना रहा है। मान लो कितना बना रहा है, लेमडा कोण बना रहा है, समझ आया कितना, लेमडा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये पॉइंट है तो ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, तो वो बंदा घूम रहा है अर्थ के साथ में, अर्थ घूम रही है तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो पार्टिकल या वो बंदा भी रोटेट कर रहा है, तो ये बंदा कैसा हो गया, रोटेटिंग फ्रेम हो गया, घूर्णी निर्देश तंत्र हो गया। ये घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो मैं इसको, इसका जो सेंटर है, ये मान लो सेंटर ले लेता हूँ इसका ओडेश, ठीक है। इधर जो इसका एक्सिस है, इसको मैं यहाँ पे इसका क्या बना देता हूँ, इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता हूँ, ये निर्देश तंत्र है, तो यहाँ पर इधर हो गया इसका एक्स डैश, इस तरफ हो गया वाई डैश, वाई डैश जो है इसका यहाँ के, इसके ऊपर हम लोग एक प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं समतल, उस समतल के अंदर जो एक्सिस होता है वो वाई डैश है। आपको दिख नहीं रहा कि आपको लग नहीं रहा यहाँ पे कि एक्स डैश और वाई डैश परपेंडिकुलर है, लेकिन होते हैं, एक्स डैश वाई डैश तो परपेंडिकुलर ही होंगे। दूसरी चीज, ये जो इस तरफ जो बाहर की तरफ डायरेक्शन निकल रही है वो है जेड डैश, ठीक है, इतनी बात समझ आई, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। क्या किया, ये एक बंदा था, इसको हमने, इसका निर्देश तंत्र ओ डैश, इसका सेंटर हो गया, मूल बिंदु हो गया, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हो गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तीनों परपेंडिकुलर होंगे, डैश इसलिए लगाया है क्योंकि ये घूम रहा है, रोटेटिंग है, अदरवाइज एक्स वाई जेड लिख लो, एक ही बात है। आगे देखो, ये जो है इसका, इससे इसके ऊपर ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, आपको लग नहीं रहा ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 2D में है, अभी मैं 3D में दिखाता हूँ ये 90 डिग्री है, कैसे, इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूँ, एक बार आप समझ लो, ये स्मॉल r है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन और ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल है। अब इसमें ये लाइन भी नहीं लग रही कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कैसे हो सकती है, मतलब जो आर वाली लाइन है, मैं ये बोल रहा हूँ ये जेड वाली लाइन होगी और ये डैश डैश वाली लाइन है, तो ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, मतलब ये लेमडा है तो ये भी लेमडा है, चमका, अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पैरेलल कैसे, इसको तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो समझ लो, ये जो लाइन है और ये आर वाली लाइन है, दोनों कैसी है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, समांतर है, समांतर कैसे है, अब इसका 3D डायग्राम देख लो, इसमें दिख जाएगा आपको, ये डायग्राम देखो, ये जो सर्कल बनाए हैं ना ये ब्लू कलर में, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर्कल यही बता रहे हैं कि ये सतह है, इस सरफेस को शो कर रहा है, ये समतल इस सरफेस को शो कर रहा है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर फटाफट दिखा देता हूँ मैं ये चीज़ें कि ये तो ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, ये लाइन कौन सी है, ये डैश डैश वाली लाइन, ये है ये वाली, ये डैश डैश वाली, वो 3D में है इसलिए थोड़ा तिरछा दिख रहा, आराम से अच्छा से दिख रहा, इसमें 2D में दिख नहीं रहा। ये डैश डैश वाली लाइन है, ये डैश डैश से जो एंगल बना रहा है ये लेमडा, इसमें फाई लिखा हुआ है, तो मैं इसको लेमडा लिख देता हूँ, लो एक ही बात है। ये पॉइंट है इसका, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर, रेडियस है, ये रेडियस है, ये जो है ये परपेंडिकुलर, इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल आर। तो अब देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं, अरे जो मैं ये बता रहा था कि ये वाली लाइन डैश डैश वाली और ये दोनों पैरेलल है, इसमें तो दिख नहीं रहा क्योंकि 2D है, तो लेमडा और ये लेमडा दोनों लेमडा लेमडा, ये एंगल लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, तो ये देखो इसके अंदर दिख रहा है ये अच्छे से, ये लेमडा है ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, लेमडा, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, जिसको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है वो इसमें देख लो, एक सेकेंड, ये ओ डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, एक तरीके से इनको छोड़ो आप, ये जेड डैश हो गया, इनको हटाओ, ये वाई डैश हो गया, ठीक है, जो मैंने उसके अंदर बनाया, ये आर हो गया, ये लेमडा हो गया, ये लेमडा, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक, क्लियर है ना, एक बात, एक जो बात बता रहा हूँ मैं, क्लियर है, ये स्मॉल आर हो गया, ये लेमडा हो गया। अब देखो ये वाई डैश, अब यहाँ पे देख लो ठीक से, ये y डैश की लाइन है, ये z डैश एक्सिस है,
ये जेड एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है। जेड और वाई दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जेड और वाई परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो ये वाई और ये जेड ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो इसमें तो ये तो लेमडा हो गया, तो ये जो बाकी बचा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा, दिस इज 90 माइनस लेमडा। तो मैंने उस डायग्राम में बनाना, देखो क्या बनाया मैंने उस डायग्राम के अंदर, देखना एक सेकेंड, इसमें देखना ये लेमडा, ये लेमडा, तो ये वाई डैश है, ये जेड, ये जेड वाला एक्सिस है, ये जेड डैश है, ये वाई डैश है, दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये यहाँ से लेके ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का, तो ये लेमडा है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस लेमडा, तो ये क्या बचा, 90 माइनस लेमडा, ठीक है, दिस इज 90 माइनस लेमडा, क्लियर है। इसको मैं एक बार इस लाइन को हटा देता हूँ, ये 90 माइनस लेमडा हो गया, क्लियर है। आगे की बात सुनो, ये डायग्राम समझ में आ गया ना, तो फिर आगे कुछ है नहीं ज़्यादा चीज़ें। एक चीज़ और है सुनो, अगर कोई भी पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, मतलब ऐसे रोटेशन कर रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली, तो ओमेगा की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ, ये ओमेगा वेक्टर, ठीक है, क्लियर है, ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। चलो ये बात समझ आई, आगे देखो, ये ओमेगा वेक्टर इस सरफेस के जिस सतह पे घूम रहा होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, जिस सरफेस पे घूम रहा होता है उसके परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस पे घूम रहा है, मतलब एक तरीके से इसमें देखना, देखो इसमें जो चीज़ें हैं ना वो 3D डायग्राम की है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा विजुलाइज करने कर पाओगे ना तभी हो पाएगी। इसमें देखना ये जो सारी चीज़ें बना ली ना, ये जो ब्लू कलर का जो डायग्राम है ना, ये ब्लू वाला, ये देखो ये ब्लू वाला ये सर्कल है, ये इस सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सरफेस को, इस सतह को, है ना, तो ये परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ये ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, तो ये जो होगा इसके, ये जो आर है आर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर तो इस सतह में है ना, आर इस सरफेस में, तो आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऊपर की तरफ होगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर है ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये देखो इसका मतलब है कि आर और ओमेगा वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, आर और ओमेगा वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो आर ये है, ओमेगा वेक्टर ये, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है कौन सा, ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस लेमडा है, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये बच गया लेमडा, इस चीज को ध्यान, जिसको ये डायग्राम क्लियर हो गया ना उसको बात समझ आ जाएगी, जिसको डायग्राम क्लियर नहीं हो फिर रटने वाला सा गेम हो जाएगा। इसमें ये डायग्राम ये है ना, ये लेमडा, ये लेमडा आ गया, अब ये गेम खत्म हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो ये है इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं शायद, है ना, तो ये इससे एक पॉइंट है यहाँ पर, इसकी दूरी है यहाँ से, रेडियस कैपिटल आर होगी, ये इससे लेमडा एक्स, लेमडा कोण बना रहा है, कितना लेमडा कोण है, तो लेमडा एंगल है, ये लेमडा है, तो ये और ये लाइन भी पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, वो समांतर कैसे है, अभी मैंने उस डायग्राम में शो किया था, ये लाइन समांतर है, पैरेलल है, तो ये लेमडा है, तो ये भी लेमडा। अब ये देखो ये जेड है, ये वाई है, तो वाई और जेड परपेंडिकुलर होते हैं, तो वाई और जेड परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाला पूरा 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये लेमडा है, तो ये 90 माइनस लेमडा बच गया, ये आर और लेमडा डेस के बीच में, वाई डेस के बीच में 90 माइनस लेमडा, ठीक है, तो आर और वाई डेस के बीच में 90 माइनस लेमडा। दूसरी चीज, आर और ओमेगा वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, आर और ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो देखो आर और ओमेगा वेक्टर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये 90 माइनस लेमडा, तो ये जो कितना बच गया, लेमडा बच गया, ये पूरा गेम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, ये वो जो मैंने डायग्राम शो किया था वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही था। अब देखो यहां पर जो दिख रहा है ना उससे हम लोग आगे पूरा गेम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये है, एक सेकेंड, ये जो है ये आर वेक्टर है ना, ये कौन सा आर वेक्टर,
ठीक है। तो अब देखो इससे ज्यामिति से बाय ज्योमेट्री, ज्यामिति से मतलब डायग्राम से बाय ज्योमेट्री क्या 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 शो हो रहा है देखो। हाँ इससे देखते हैं, इससे क्या हो रहा है। यहां से एक चीज नोटिस करना, ओमेगा वेक्टर जो है वाई डैश और जेड डैश के बीच में है, इस तरीके से है ना। ओमेगा जो वेक्टर है वो जेड डैश और वाई डैश के बीच में है ना, और इसके साथ में जो एंगल बना रहा है दैट इज लैम्डा। अगर ओमेगा वेक्टर को मैं घटकों के रूप में लेना चाहूँ, अगर कंपोनेंट बनाऊं, तो ओमेगा का एक कंपोनेंट इस पे आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस पे आ जाएगा। इस पे जो कंपोनेंट आएगा वो तो कॉस में आएगा क्योंकि साथ इसके साथ एंगल बना रहा है, इसका साइन में आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, ओमेगा वेक्टर को घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखने पर, लिखने पर ओमेगा वेक्टर इन कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स। देखो कैसे कंपोनेंट्स में ओमेगा वेक्टर जो आएगा उसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड मान लो ओमेगा है, तो ओमेगा का कॉस वाला कंपोनेंट तो इधर आएगा और साइन वाला इस तरफ आएगा। इसके इस पे कॉस वाला आ रहा है क्योंकि इसके साथ लैम्डा कोण है, कोण इसके साथ बना रहा है, एंगल इसके साथ बना रहा है। तो ओमेगा कॉस लैम्डा इसके साथ में कौन सा, ये वाई वाला है ना, तो इसको वाई मतलब वाई डैश मतलब जेड डैश बोल देता हूँ, इसको जेड डैश के, ठीक है। दूसरा प्लस इसके साथ में ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा और इसकी डायरेक्शन के में है ना, के डैश में, के डैश के, ये ओमेगा वेक्टर मिल गया, ठीक है। चलो क्लियर है, ये इक्वेशन मुझे पता नहीं है, मैं इसको इक्वेशन को वन, इक्वेशन नंबर वन लिख देता हूँ, अभी मैंने कुछ और लिखा होता तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इसको इक्वेशन नंबर दो बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। ओमेगा मिल गया, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था कि ओमेगा का वैल्यू मिल जाए, आर का वैल्यू मिल जाए, तो इन दोनों का वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लूंगा तो मुझे जी डैश का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, यही था। तो ओमेगा तो मिल गया, आर वेक्टर देखना, अभी आर वेक्टर देखो किसके किसके बीच में है, ये समझना, आर वेक्टर है ये, लेकिन इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आर वेक्टर है वाई डैश और जेड डैश के बीच में, देखो ये जेड डैश इस तरफ है पॉजिटिव, ये जेड डैश इस तरफ नेगेटिव, अरे ये मूल बिंदु है ना, ये ओरिजिन है, तो ये जेड डैश जो है इस तरफ पॉजिटिव है, जेड डैश इस तरफ नेगेटिव है, तो वैसे आर वेक्टर देखा जाए ये है, तो वाई डैश और जेड डैश के बीच में है, है ना। तो जो है मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है y डैश, इसको थोड़ा सा ऐसा सिंपल बना देता हूँ, y डैश और z डैश जो है परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, वो तो 3D डायग्राम बनाने के लिए दिख नहीं रहा अपने को, तो y डैश और z डैश के बीच में ऐसे r वेक्टर इस तरीके से है। देखो इसको अच्छे से देख लो, ये जो r वेक्टर है z डैश और y डैश, पर ये जो z डैश है वो नेगेटिव में है, z डैश इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, मतलब ये जो z है इस तरफ है पॉजिटिव और इस तरफ कौन सा नेगेटिव z डैश है। इसी तरीके से y डैश ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो y डैश नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और r वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है और इसमें एंगल देखो किधर बन रहा है, r वेक्टर z के साथ में लैम्डा बना रहा है ना, तो r वेक्टर माइनस z के साथ में है, ये आर वेक्टर माइनस जेड, ये माइनस जेड ही ना, जेड ये पूरा है तो ये पॉजिटिव जेड होता है, इधर नेगेटिव जेड, इसके साथ में लैम्डा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ में जो एंगल बन रहा है दैट इज लैम्डा। अब देखो किसी भी चीज़ के अगर कंपोनेंट लेते हैं तो आप ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से कंपोनेंट लोगे नहीं ना, कंपोनेंट कैसे लोगे, कभी भी अगर कंपोनेंट लेने हो तो आप इसको क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओ, पहले इसको बाहर निकालो, बाहर की तरफ होना चाहिए, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसको आगे बढ़ा दो, ये आर वेक्टर आगे बढ़ गया, ठीक है, ये आ गया चलो ठीक है। ये लैम्डा है तो ये देखो ये सामने वाला कोण, ये भी लैम्डा हो जाएगा, अरे ये लैम्डा है, बचपन में पढ़ा होगा ना स्टैंडर्ड में, तो ये कैसा हो गया, ये लैम्डा हो गया। अब देखो इस आर वेक्टर के अब कंपोनेंट ले सकते हो, अब घटक ले सकते हो, आर वेक्टर का इसके ऊपर, आर वेक्टर का इसके ऊपर, तो आर वेक्टर के घटक लेने पर इस डायग्राम को थोड़ा मैं साइड में बना देता हूँ, ये लो
तो आर वेक्टर के कंपोनेंट लेने पर, आर वेक्टर के घटक लेने पर, घटक लेने पर बाय द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। तो देखो इसके आर वेक्टर के क्या कंपोनेंट होंगे, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर एक इधर। इसके साथ में कौन एंगल इसके साथ में बना रहा है, तो कॉस वाला कंपोनेंट तो इसके साथ में जाएगा आर कॉस लेमडा और आर साइन लेमडा इसके साथ में। तो ये आर वेक्टर जो है वो ऐसा आएगा आर कॉस लेमडा, कॉस लेमडा वाला तो आएगा इसके साथ में जेड डैश के साथ में, जेड डैश मतलब के डैश के लिख देता हूँ मैं इसको यूनिट वेक्टर, और आर साइन लेमडा आएगा इसके साथ में, प्लस आर साइन लेमडा जो है वह आएगा ये माइनस वाई डैश में, माइनस वाई का मतलब हो गया माइनस माइनस जे डैश, माइनस जे डैश ऐसा। ठीक है मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक, इसको लिख लेते हैं आर साइन लेमडा, माइनस को बाहर ले लेता हूँ और ये हो गया जे डैश केप, प्लस आर कॉस लेमडा के डैश केप, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब गेम खत्म हो गया, जो प्रॉब्लम्स थे जो डिफिकल्टी थी वो तो ओवर है, अब तो सिंपल वैल्यू पुट करना है मुझे। तो जिस जो कंसेप्ट है एक्चुअल वो तो यहीं तक खत्म हो गया, तो मेन जो कंसेप्ट था अपना वो तो इस डायग्राम को समझना था, और अब इस डायग्राम के बेस पे तो हमने ओमेगा वेक्टर पता कर लिया किसके किसके बीच में, और आर वेक्टर किसके किसके बीच में, तो उससे कंपोनेंट मिल गया अपने को, कंपोनेंट मिल गए। अब हम लोग आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के दोनों को वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ओमेगा और आर ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इससे को इससे मल्टीप्लाई करके ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपने को जी डैश मिल जाएगा। तो अपना मेन जो टारगेट था वो क्या था, ओमेगा और आर के वैल्यू कैलकुलेट करना था, ओमेगा भी मिल गया आर भी मिल गया, बस दोनों के वैल्यू पुट करना है। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी थोड़ा तो ये हो जाएगा अभी इसी के अंदर। देखो पहले तो हमारे को कैलकुलेट करना ओमेगा और आर, ओमेगा क्रॉस आर, फिर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओमेगा क्रॉस आर कैलकुलेट करते हैं। तो बाय इक्वेशन टू एंड थ्री, बाय टू एंड थ्री देखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से लेते हैं हम लोग आई डैश जे डैश के डैश के, ओमेगा के ओमेगा कॉस लेमडा, ओमेगा साइन लेमडा। आई वाला तो है नहीं इसमें, तो आई वाला तो जीरो है, जे वाला है ओमेगा कॉस लेमडा, के वाला है ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है दूसरा ये जो है आर वेक्टर, आर वेक्टर में ये है जे डेस है और के डेस है, इसमें भी आई वाला नहीं है, जे डेस में है माइनस आर साइन लेमडा और इसमें आर कॉस लेमडा, आर कॉस लेमडा। इसकी वैल्यू देखो अब ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसमें आई डैश के मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा आर ओमेगा कॉस स्क्वायर लेमडा माइनस 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 और ये होगा माइनस आर ओमेगा साइन स्क्वायर लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आर ओमेगा साइन स्क्वायर लेमडा, ये मिला, ये तो आई डैश में मिल गया। जे डैश वाले में ये यहाँ से जे डैश आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, के डैश में भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, तो केवल एक ही टर्म आएगा। इस टर्म में देखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई डैश, इसमें आर ओमेगा कॉमन आ रहा है ना, आर ओमेगा कॉमन आ रहा है, इसमें बचा कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा तो वन हो गया, तो अपने पास में जो बचा वो बचा आर ओमेगा आई डैश के ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का वैल्यू आ गया मेरे पास में। ठीक है ये एक मिल गई वैल्यू मेरे को ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये मिला मुझे, इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देता हूँ मैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तो आया मुझे फाइनली, देखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये मिल गया, इसका मतलब कि जो भी मिला उसको ओमेगा वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अभी पूरा ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये वाला ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर
ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टाइम देख लेते हैं, है टाइम तो काफ़ी है। हाँ जी देखो, तो ओमेगा वेक्टर, पहले तो ओमेगा वेक्टर का वैल्यू रख सकते हैं, फिर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का, है ना, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो इसको, ये आई डैश कैप, जेड डैश कैप, के डैश कैप, ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर का वैल्यू तो अपने को पता है, ये होता है, ये लिखा था अभी, ओमेगा कॉस लैम्ब्डा, ओमेगा साइन लैम्ब्डा, जीरो ओमेगा कॉस लैम्ब्डा, ओमेगा साइन लैम्ब्डा, ठीक है। दूसरा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर का वैल्यू ये है आर ओमेगा आई डैश, तो आर ओमेगा आएगा आई डैश में, और बाकी के जीरो है, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो आप, इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। इसमें देखो आई डैश, आई डैश वाला जो मिलेगा वो तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो हो गया ये तो, ठीक है। जेड डैश का देखो, माइनस जेड डैश, ठीक है, माइनस आता ना सेकंड के साथ में, इसके साथ में प्लस आता, फिर माइनस, फिर प्लस। आपने मैट्रिक्स सोल्व किए होंगे, मैट्रिक्स वगैरह, तो उसमें आपने डिटर्मिनेंट वगैरह कैलकुलेट किए होंगे, वो वहाँ पे पढ़ा होगा कैसे सोल्व करते हैं इसको, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसका करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, इधर आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्ब्डा, ये जेड डैश का हो गया, प्लस के डैश कैप, इसका करेंगे तो ये रह गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो, इधर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्ब्डा, ये मिला, ये मिलता अपने को, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मिला, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जे वाला तो प्लस हो गया, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्ब्डा, ये तो हो गया प्लस जे डैश कैप, और ये रह गया माइनस, ये हो गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्ब्डा के डैश कैप, ठीक है, ये मिल गया मुझे, ये मिल गया, एक बड़ा वैल्यू मिल गया। इसको हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर वन था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसका, तो अपने को फाइनली कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट के अंदर करेंगे, अभी यहाँ तक ठीक है, ये जो भी मिला यहाँ तक कॉपी हो जाएगा आपका, इसके आगे का जो कैलकुलेशन है हम लोग नेक्स्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। और जो अगर आपको कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आराम से, इसको कॉपी तो इजीली कर सकते हैं ना, मैं जैसे साइड में जगह मिलती है, मतलब जैसे मैं साइड में रहता हूँ उस टाइम पे पॉज कर लिया करो, रोक के आराम से कॉपी कर लिया करो, है ना, तो नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।